31st of December, एंड आई होप कि आपका ये ईयर काफ़ी अच्छा गया हो। तो कल हो जाएगा न्यू ईयर, तो कल से हम 2023 में एंटर कर जाएंगे। सो बेसिकली फर्स्टली आई थॉट कि क्यों ना 31st और 1st दोनों डेज को मैं मतलब रिकॉर्ड करूँ कि हाउ आई सेलिब्रेटेड और स्पेंड माई 31st of December एंड 1st of January। बट क्योंकि आज मैंने सुबह से आज सच कुछ किया नहीं कि जो मैं आपको दिखाऊँ, तो फिर इसलिए मैंने उसे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। एंड नाउ इट्स 8:15, तो अभी रात को 8:15 हो चुके हैं। तो अभी मैं बस, मेरे पास आज सच कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे बात की जाए। आई डोंट नो आज का क्या प्लान है। सो चलो, तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, बट बिफोर गोइंग, सो आपको ये बॉक्स याद है, मैंने आपको आपको अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखिएगा। तो मैंने रूम टूर जब कराया था अपना, द फर्स्ट रूम टूर जब कराया था, तो उसमें मैंने आपको इस बॉक्स के बारे में बताया था। इस बॉक्स में मैं वीक ख़त्म होने के बाद मतलब लिखती हूँ कि मैंने इस वीक में क्या सीखा और क्या लेसन मैं अपने आप को देना चाहती हूँ, कि जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने इस वीक में मुझे ये लेसन अपने आप को देना है। सो मैं वो सब इसमें रिकॉर्ड करती हूँ। सो जस्ट बिकॉज कि आज 31st है, ईयर एंड है, वीक एंड है, मंथ एंड है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। सो मोस्ट प्रोबेबली कि मैं ये चिट्स कल पढ़ूंगी और कल और फिर 2023 की नेक्स्ट चिट्स शुरू करूंगी, ठीक है। तो चलो अभी हम नीचे जाने से पहले ये लिख लेते हैं। सो गाइस, अभी हो रहे हैं 11:30 और हमारे पास आधा घंटा है न्यू ईयर होने में। तो अभी मैं और मेरा भाई है आप सबको एंटरटेन करने में। तो ये आज ही आया मामू के घर से न्यू ईयर घूमने है। तो अभी हम गेम खेल लगे चॉपस्टिक, चॉपस्टिक तो हम खेलने वाले हैं चॉपस्टिक, और इसमें हम 3 मैच लगाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है। जो जीतेगा वो एक दूसरे को न्यू ईयर रेजोल्यूशन देगा, जिसका हार्ड हुआ जीत पाएगा। और आपको मैं ऐसा रेजोल्यूशन दूंगा कभी पूरा ही नहीं होगा और वो आपको रेजोल्यूशन पूरा करना। मैं भी ऐसे रेजोल्यूशन दूंगी जो ये पूरा नहीं कर सकता। ऐसा ओ यार बोलना दे दे। दो मैच जीत चुका हूँ, ये फाइनल मैच है, इनको थोड़ा सा भी चांस देते हैं। अगर ये जीत गए इस मैच में तो सारी गेम इनकी। मेरा रेजोल्यूशन है इसे 2023 में ना पतला होना है। अपना ये जो मोटा भरा पेट है ना, जो ये पूरा अंदर नहीं कर सकता, इसको अंदर करना है। करेगा? चलो इन अंदर रेजोल्यूशन दीजिए, अब सेकंड गेम खेलते हैं। स्नेक वाटर गन। ओके लेट्स प्ले। देख मैंने तेरी गेमिंग तो कुछ नहीं बोला ना, तो मेरे कोरिया तो कुछ नहीं बोलेगा। ओके डन। ओके डन, ठीक है। क्या दे पता हूँ मेरे मोटे वहाँ खा खा के मोटे हो जाओगे। मैं क्रिटिकल थिंकिंग कोर से देखा जाए इस शख्स को,
जो मुझे रेजोल्यूशन देने के लिए इतना सोच रहा है। आपको इस साल काइटू उड़ाना सीखना है। कोई काइटू उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं, लेट मी मैं आपको भी सिखा सकता हूँ काइटू उड़ाना। गाइस अब 10 मिनट पड़े हैं हमारे पास, तो अभी हम 10 मिनट क्या करें? हम पर खेल लो बैंड। तो आपको हमारे हाथ हाथ दिख रहे हैं, तो रेड हैंड की ये दीदी का हाथ, ये मेरा हाथ। अब किसी दिन ना रेड माउथ करेंगे, रेड फेस करेंगे। सारी बढ़ा से निकले हो गया नहीं तो तीन। वो नशे में है बंदा, लड़बड़ लेता है। तो नए साल की शुभकामनाएं, अच्छा आपका साल बीते। सो ओके गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्लीप। तो अब हम सोने लगे हैं, और आपको हैप्पी न्यू ईयर एंड न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे दिस डे एंड दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय इन योर लाइफ, एंड बाय बाय, गुड नाइट। न्यू ईयर की फर्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत मैंने की अपने फर्स्ट रेजोल्यूशन से, विच इज़ टू कीप पीस इन माई माइंड, एंड मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू कीप इट। सो आफ्टर मेडिटेशन अभी हो रहे सुबह के 10:30, और हम सभी जा रहे हैं मंदिर, और हमने मंदिर भगवान जी के दर्शन किए और उनसे प्रे की कि ये न्यू ईयर हम सब के लिए बहुत अच्छा अच्छा जाए। आफ्टर दैट हम गए जैन मंदिर, एंड उसके बाद हमने घर पे जाके लंच किया, और क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ करने को था नहीं हमारे पास, तो मैंने कुछ नहीं किया और मैं बस जाके सो गई दोबारा से। एंड गुड इवनिंग गाइस, सो अभी हो रही है 5:30, एंड माई सेकेंड रेजोल्यूशन इज टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिलीज। सो बेसिकली जो बाहर रहते हैं उनको बहुत कम टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, एंड आई मस्ट सजेस्ट कि आपको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए फैमिली के साथ, बिकॉज ये आपको एक मॉरल सपोर्ट भी देती है और इमोशनल सपोर्ट भी। एंड माई थर्ड रेजोल्यूशन इज़ टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी, एंड एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट। नाउ इट्स माई एक्सरसाइज टाइम। तो जब भी एक्सरसाइज की बात होती है ना, आई एम टोटली एन इवनिंग पर्सन, आई लाइक डूइंग एक्सरसाइज इन द इवनिंग। और अगर मैं अपनी एक्सरसाइजिंग जर्नी की बात करूँ, तो मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी लॉकडाउन से शुरू की थी, जब लॉकडाउन लगा था, और मैंने इसे 1.5 साल तक कंटिन्यू रखा था। बट आफ्टर गेटिंग इनटू द एमएससी आई गॉट सो मच बिजी विद माय स्टडीज, एंड सो आई हैव स्टॉप डूइंग एक्सरसाइजेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ 2022 में। सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट माई एक्सरसाइज रूटीन अगैन इन 2023 टू कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी अगेन। सो यूजअली आई फॉलो दिस एक्सरसाइज रूटीन जो मैंने लॉकडाउन के दौरान प्लान किया था, जब मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान दे रही थी अपनी, तो ये एक्सरसाइज रूटीन्स मैंने तब बनाए थे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई बॉडी एनर्जी, समटाइम्स आई स्विच इट टू अ लाइटर वन व्हेनेवर आई फील लो, और समटाइम्स आई पुट ऑन मोर एफर्ट। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई प्लान माई डेली एक्सरसाइजेज। फाइनली आई एम डन विद माई एक्सरसाइज, एंड आई हैव डन माई एक्सरसाइज फॉर 45 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट मैं गर्म पानी पी रही हूँ ताकि मैं अपने मसल सोरनेस को ईज कर सकूँ और इस ठंडी से खुद को बचा सकूँ। एंड आफ्टर दैट मैंने अम्मा की या घर के कामों में कुछ हेल्प की, एंड डिनर के बाद आई हैव फॉलोड माई नाइट रूटीन विच इंक्लूड्स ब्रशिंग माई टीथ, वॉशिंग माई फेस एंड नाइट फेशियल मसाज, एंड देन मैं ऊपर आ गई। एंड माई फोर्थ रेजोल्यूशन इज़ टू कनेक्ट मोर विद माई बुक्स, सो आई हैव राइट डाउन ऑल द रेजोल्यूशन इन माई डायरी। सो मैंने सारा कुछ लिखा कि मैं क्या क्या अब आगे 2023 में करना चाहती हूँ, एंड फाइनली आई एंडेड अप विद माई डे बाई रीडिंग ऑल दिस चिट। तो बेसिकली मैंने सारी चिट्स पढ़ी, और उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मैंने 2022 में क्या क्या सीखा, और उसके बाद मैंने इन सबको अपनी बुक में पेस्ट किया। सो डू यू वॉन्ट टू नो कि मैंने क्या सीखा और क्या लर्न किया? सो आई हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ कि मैं आपको कैसे बताऊँ।
सो आई एम गोना मेक अ शॉर्ट वीडियोस कि मैंने हर महीने क्या सीखा और क्या नहीं, और ऐसा क्यों कि मैंने क्यों इसे ऐड किया. सो स्टे ट्यून्ड विद मी टू सी ऑल दोज वीडियोस. तो आप मेरे साथ बने रहिएगा. सो ये सब करने के बाद मैंने एक लास्ट रेजोल्यूशन लिया विच इज़ फॉर यू गाइस. सो आई विल कम अप विद मोर वीडियोस, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने बिजी डे में से टाइम निकालूँ और आई विल कम अप विद मोर डांस वीडियोस एंड म्यूज़िक वीडियोस, और मैं अपने पैशन को और अपने लाइकिंग को दोनों को फॉलो करूँ. सो आई होप आज का आपको ये वीडियो, अजीब व गरीब सा वीडियो, अच्छा लगा हो, मेरा न्यू ईयर अच्छा लगा हो और मेरे रेजोल्यूशन अच्छे लगे हो. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव. गुड नाइट गाइज एंड बाय.